यहाँ पे अपन ने 10-12 सिस्टम के बारे में पढ़ लिया, अबाउट द सन पढ़ लिया, एस्ट्रॉइड के बारे में पढ़ लिया, अभी अपन पढ़ने वाले हैं मीटियोर के बारे में। यू मस्ट हैव ऑफन सीन ब्राइट पीक ऑफ लाइट फ्लैशिंग इन द नाइट स्काई फॉर अ फ्यू मोमेंट। कभी कभी क्या होता है, अपन लोगों ने रात में देखा होगा कि कोई चमकीली सी एक लाइन की बनती है, एक चमकीली सी कोई चीज चलती हुई दिखाई देती है हमको रात के समय में। वी कॉल दी शूटिंग स्टार। इस सबको अपन क्या बोलते हैं, इस कंडीशन को अपन जब देखते हैं रात में तो अपन बोलते हैं कि ये टूटता हुआ तारा है। बट दीज आर इन फैक्ट, लेकिन वास्तव में ये क्या होते हैं, ब्रोकन पीसेस, टूटे हुए पीस होते हैं, दैट सेपरेट फ्रॉम एस्ट्रॉइड, जो कि किससे अलग होते हैं, जो कि एस्ट्रॉइड से अलग होते हैं। एंड दीज रॉक्स एंटर अर्थ एटमोसफेयर। और ये क्या है, जो एस्ट्रॉइड है उससे अलग होने के बाद क्या होता है, जो अर्थ का एटमॉस्फेयर होता है उसके अंदर ये लोग जो ये होते हैं पीसेस ये एंटर कर लेते हैं एट अ ग्रेट स्पीड, और जो इनकी स्पीड होती है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है ड्यू टू फ्रिक्शन विद एटमॉस्फेरिक डस्ट एंड गैसेस। अब क्या होता है, जब ये पीसेस जो होते हैं जो एस्ट्रॉइड से टूट कर निकले हैं, जब ये अर्थ के एटमॉस्फेयर में रहते हैं, तो आने के बाद ये बहुत स्पीड में ट्रैवल करते हैं, और स्पीड में ट्रैवल करते हैं तो क्या होता है, जो एटमॉस्फेयर में डस्ट और गैसेस होती हैं उसके साथ में फ्रिक्शन जो है यहाँ पे लगना स्टार्ट हो जाता है। मोस्ट ऑफ दीज रॉक्स बर्न आउट कम्प्लीटली। और इस फ्रिक्शन के कारण क्या होता है, जो ज्यादातर हिस्सा होता है या ज्यादातर रॉक होती हैं वो क्या होती है, वो कम्प्लीटली जल जाती है। दीज आर कॉल्ड मीटियोर। और क्या बोलते हैं, मीटियोर बोलते हैं। However, some larger meteors do not burn up completely. लेकिन कभी कभी क्या होता है, कुछ बहुत बड़ी जो है मीटियोर होती है और ये क्या होती है, ये कम्प्लीटली जल नहीं पाती है फ्रिक्शन के कारण। एंड द रिमेनिंग पार्ट स्ट्राइक्स द अर्थ सरफेस। और इस तरीके से क्या होता है, जो पार्ट जल नहीं पाता है वो फाइनली अर्थ पे आकर के और जो है अर्थ पे आके गिर जाता है मेकिंग क्रेटर। और जहाँ पे ये गिरता है वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे ये क्रेटर बना लेते हैं। क्रेटर मतलब, क्रेटर मतलब होता है कि ये गड्ढा सा बन जाता है वहाँ पे। दीज पार्ट ऑफ मीटियोर दैट हिट द अर्थ आर कॉल्ड मीटियोराइट। तो इस तरीके से जो ये मीटियोर के पार्ट हैं, जो भी कोई पार्ट अर्थ पे आके स्ट्राइक करता है, गिरता है, इनको ये अपन क्या बोलते हैं, इनको अपन मीटियोराइट बोलते हैं। द लार्ज वन टू हैव हिट द अर्थ इज इन द स्टेट ऑफ एरिजोना यूएसए। और अब तक का सबसे बड़ा जो मीटियोर है जो कि पृथ्वी पे गिरा है वो कहाँ पे गिरा है, वो यूएसए में एक स्टेट है एरिजोना नाम का, वहां पे गिरा है। द क्रेटर क्रिएटेड इज 1200 मीटर अक्रॉस एंड 170 मीटर डीप। और जो यहाँ पे क्रेटर गिरा उसने क्या किया, 120 मीटर वाइड और 170 मीटर डीप जो है एक क्रेटर का निर्माण किया। अगला है कॉमेट आर बॉल्स ऑफ डस्ट आइस पार्टिकल्स एंड फ्रोजन गैसेस दैट रिवॉल्व अराउंड द सन। अब कॉमेट क्या होता है, कॉमेट जो होती है एक बॉल होती है, यानी गोलाकार आकृति की हुई एक एंटिटी होती है। ये बनी किससे होती है, डस्ट से बनी होती है, आइस पार्टिकल से बनी होती है और फ्रोजन गैसेस से, यानी जमी हुई जो गैसेस होती हैं उससे मिलकर बनी होती है। और होता क्या है, इन सबकी जो एक बॉल से बनती है वो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती रहती है। When they come closer to the sun in their highly elliptical orbit। अब क्या है, कोई भी अगर ऐसी बॉडी है जो सन के चारों तरफ चक्कर लगा रही है तो उसका पाथ कैसा होता है, इलेक्ट्रिकल, सर्कुलर नहीं होता, बिल्कुल गोल नहीं होता, इलेक्ट्रिकल होता है। तो जब ये सूर्य के सबसे पास आती है दे वेपराइज, तो गर्मी की वजह से क्या होता है, जो ये आइस पार्टिकल होते हैं, फ्रोजन गैसेस होती हैं, डस्ट वगैरह होती हैं, ये क्या होती है, ये हो जाती है वेपराइज, यानी इनका हो जाता है बाष्पीकरण एंड फॉर्म अ लॉन्ग टेल। और इसकी वजह से क्या होता है, इसकी लंबी पूंछ सी बन जाती है विच कुड बी एज लॉन्ग एज 1 मिलियन किलोमीटर। और जो ये पूंछ है ये कितनी लंबी हो सकती है, ये पूंछ 1 मिलियन किलोमीटर तक की लंबी हो सकती है। द मोस्ट फेमस ऑफ दीज इज द हेलीज कॉमेट। और जो सबसे फेमस अगर बात की जाए कॉमेट की, वो कौन सा है, वो हेली नाम का एक कॉमेट है विच इज विजिबल फ्रॉम अर्थ एवरी 76 ईयर्स, जो कि धरती से या अर्थ से अपन को प्रत्येक 76 ईयर्स के जो है डिफरेंस पे या अंतराल पे अपन को दिखाई देता है।
इट विल अपीयर नेक्स्ट इन द ईयर 2062। अब अगली बार कब दिखाई देगा? अगली बार ही दिखाई देगा 2062 में। तो ये हो गया कॉमेट। अगला है सैटेलाइट। सैटेलाइट्स आर सेलेस्टियल बॉडीज व्हिच रिवॉल्व अराउंड द प्लैनेट। अब जो सैटेलाइट होती है ये क्या होती है? ये सेलेस्टियल बॉडीज होती है, अंतरिक्ष में विद्यमान जो है एंटिटी होती है, जो क्या करती है, जो कि प्लैनेट के चारों तरफ घूमती है। भाई क्या हो रहा है? सन है, सन के चारों तरफ घूम रहे हैं प्लैनेट, प्लैनेट है, प्लैनेट के चारों तरफ घूमती है सैटेलाइट। दे डू नॉट हैव हीट और लाइट ऑफ देयर ओन। अब जो सैटेलाइट होती है इनके पास ना तो खुद की कोई हीट होती है, ना ही इनके पास खुद का कोई लाइट होता है, लाइक ऑल प्लैनेट, जैसे कि और प्लैनेट होते हैं उनकी तरह। दे रिफ्लेक्ट द लाइट ऑफ द सन। तो क्या करते हैं ये सारे तरह जो अपने सैटेलाइट हैं, ये सन की जो लाइट है उसको ही रिफ्लेक्ट करते हैं। अगर अपन बात करें अपने मून की, तो मून में कोई लाइट नहीं है, ना उसकी कोई हीट है, तो चमकता कैसे? ये चमकता ऐसे है कि क्या करता है, ये सन से जो वेव आती है, लाइट आती है, उसको रिफ्लेक्ट करता है, इसलिए अपन को चमकता हुआ सा दिखाई देता है। Various planets have different number of satellites. अब क्या है कि ऐसा नहीं है कि सभी planets की fixed number में ही satellite होंगे, सभी planets के अलग-अलग संख्या में satellites जो हैं उपस्थित होते हैं। अगला है topic अपना Earth. The Earth is unique planet in the solar system. Earth जो है वो पूरे solar system में एक unique planet है. Because it is the only one to support life. और क्यों है ये unique planet? क्योंकि यही एकमात्र प्लैनेट है जो कि लाइफ सिस्टम को सपोर्ट करता है, या फिर यहाँ पे जीवन है। दिस इज बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन। अब रीजन क्या है कि सिर्फ अर्थ पे ही लाइफ सिस्टम है, तो उस रीजन दिए हुए हैं यहाँ पे। अबाउट 3/4 ऑफ अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर। कि जो अर्थ है उसका 3/4 जो पार्ट है या जो एरिया है वो किससे ढका हुआ है? वो पानी से ढका हुआ है। It is hence also called a blue planet. और इसीलिए अर्थ को अपन ब्लू प्लैनेट कहते हैं, क्योंकि इसका ज्यादातर हिस्सा जो है वो पानी से भरा हुआ है। The atmosphere of Earth has sufficient oxygen. और क्या है कि अपने जो अर्थ है इसका जो एटमोसफियर है इसके अंदर क्या है? सफिशियंट मात्रा में ऑक्सीजन गैस है, which we need to breathe, जिसकी हमें सांस लेने के लिए आवश्यकता होती है। The atmosphere keeps the surface temperature moderate. अब जो ये एटमॉस्फेयर होता है जो अर्थ के चारों तरफ फिलहाल विद्यमान है, ये क्या करता है? ये सरफेस जो टेम्परेचर होता है इसको मॉडरेट रखता है, यानी कि इसको बहुत ज्यादा बढ़ने भी देगा और बहुत ज्यादा घटने भी देगा, और इसी रीजन की वजह से क्या है यहाँ पे लाइफ सिस्टम चालू है। एंड वी आर एबल टू ऑल लाइफ फॉर्म ऑन अर्थ। और यही रीजन है कि क्या है हम लोग इस पे रह पा रहे हैं। द अदर गैसेस प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर आर वाइटल फॉर लाइफ ऑन द अर्थ। और भी बहुत सारी गैसें होती हैं जो हमारे एटमॉस्फेयर में क्या है अवेलेबल है, और जो बाकी गैसेस हैं ऑक्सीजन के अलावा वो भी हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। फॉर एग्जांपल और ओजोन प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज ऑफ द सन। जैसे कि हम बात करते हैं एक ओजोन गैस की, तो ओजोन गैस क्या करती है, सन से जो अल्ट्रावायलेट रेज आती हैं जो कि बहुत हार्मफुल होती है ह्यूमंस के लिए, तो ये ओजोन जो लेयर होती है वो क्या करती है हमारी सुरक्षा करती है। सुरक्षा कैसे करती है कि ये अल्ट्रावायलेट रेज है उनको पृथ्वी तक नहीं पहुंचने देती है, वहीं पे एब्जॉर्ब कर लेती है। द अर्थ सरफेस हैज सॉइल दैट सपोर्ट प्लांट लाइफ एंड मेनी अदर फॉर्म ऑफ लाइफ। तो और एक और है अर्थ की महत्वपूर्ण विशेषता जो इसे अलग बनाती है, विशेष बनाती है, वो क्या है कि अर्थ के सरफेस पे अपन को मिट्टी मिलती है, सॉइल मिलती है, और जो ये सॉइल है ये क्या करती है ये प्लांट के लाइफ को भी क्या करती है सपोर्ट करती है, और भी अन्य बहुत सारी लाइफ को जो है ये मिट्टी सपोर्ट करती है। तो ये सारी सारी बातें मिलकर के अर्थ को हमारे सोलर सिस्टम में एक डिफरेंट और एक ज़्यादा बेहतरीन या फिर लाइफ साइकिल को या लाइफ सिस्टम को सपोर्ट करने वाला बनाती है। तो आज के लिए बाकी कल पढ़ते हैं द मून एंड इट्स फेजेस। थैंक यू।